Hey, y'all, come look at this. अब यूट्यूब पहुंच गया तू? अब यार कई लोगों को बहुत दिलचस्पी है ये जानने में कि स्कूल के जो अध्यापक अध्यापक इन डबल कोट्स अध्यापक और अध्यापिका हैं, उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और अपने आप को प्रिपरेशन में लगाए रखा, मेहनत करना नहीं छोड़ा, और आखिरकार आप जानते हैं मेरा रिजल्ट क्या आया। तो फिर पापा को मैंने बताया, पापा रिजल्ट आ गया, क्या रहा, तो उनका रिएक्शन था? कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मेरे जेई क्रैक होने से पहले लोगों ने मुझे किस प्रकार डीमोटिवेट किया था, मुझ पर किस प्रकार की दूषित टिप्पणियां की थी, हानिकारक टिप्पणियां, और जिनकी वजह से मुझे प्रिपरेशन में नुकसान हुआ, और अंत तक बार बार सत्य को पहचाना और अपने आप को प्रिपरेशन में लगाए रखा, मेहनत करना नहीं छोड़ा, और आखिरकार आप जानते हैं मेरा रिजल्ट क्या आया। अब क्या हुआ भाई, एडवांस के रिजल्ट के 3-4 दिन बाद ना, हमारे यहाँ पे एक रॉक गार्डन है पार्क, वहाँ पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे स्कूल के बंदे थे, फिर उनके ट्यूशन के जो दोस्त होते, सीबीएसई के ट्यूशन जाते हैं ना, तो उनके ट्यूशन के दोस्त भी थे वहाँ पे, हम सब क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ पे एकदम से बात छिड़ी, सब जेई मेंस के मार्क्स डिस्कस करने लग गए, तो भाई किसी किसी के जो 50-40 मार्क्स आए हुए थे, तो उसमें से मैंने भाई एक बंदे ने मुझसे पूछा कि तेरे कितने आए हैं, तो भाई मैंने मतलब अब मेरे को अजीब लग रहा था कि भाई उसके 50 आए, मैं मुझे एम्बेरसमेंट सी महसूस हो रही थी कि भाई मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि मेरे 254 आए, तो मैंने ऐसे बोलने की कोशिश करी कि भाई 100 आए हैं मैथ्स में, और मतलब बहुत गलती से मैंने उस बंदे को और ज़्यादा हर्ट कर दिया, और कहते भाई 254 आए, कहते हाँ यही नहीं जिंदल का एडवांस भी क्रैक हो गया, एक बंदा कहता अच्छा तो एडवांस में कितनी रैंक आई, फिर मुझे एम्बेरसमेंट हो रही थी, तो मैंने मतलब समझ रहे कि लोग पता नहीं भाई क्या बनाए कि भी कैसे रिएक्ट करे, तो मैं ऐसे बोल रहा था उनकी रैंक थी भाई, उन कईयों का तो रिजल्ट ही शो नहीं हुआ था उनमें से, तो मैंने ऐसे बोला भाई रैंक है 247, कहते आगे आगे आगे, मैंने कहा बस। बारह तेरह जून 2016 की बात है, 5 साल से अधिक इस बात को हो गए, और हमारे परिवार में हर साल जो है जून के महीने में ज्वाला देवी जाते हैं, तो वो हमारी कुल देवी हैं, और वहाँ पर हमारा पूरा बहुत बड़ा जिंदल परिवार है वो जाता है वहाँ पर, तो जगह जगह से लोग वहाँ आते हैं, तो हम भी वहाँ जा रहे थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। इस घर में एक जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, 20 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं जिसमें, और उन सारे मेंबर से एक पूरी बस हमने प्राइवेटली हायर कर रखी थी, वो भर गई थी, और हम वहाँ से लौट कर आ रहे थे ज्वाला देवी से, और तब मुझे पता था कि 12 जून को रिजल्ट आएगा। अब भाई क्या था कि जेई एडवांस की वेबसाइट जो थी रिजल्ट वाली, भाई क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और ऊपर से वहाँ पर आपको पता ही है कि ट्रैवल करते टाइम जो इंटरस्टेट ट्रैवल के टाइम पर इंटरनेट के क्या इशूज़ आते हैं, और तब तक कोई इंटरनेट का रेवोल्यूशन भी इस तरह का नहीं आया था, तो भाई मेरे को था रिजल्ट का ये था। अब जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, जब सेंटर से बाहर निकला था एग्ज़ाम सेंटर से, तब मुझे था कि भाई ठीक है 3-4 हज़ार रैंक आ जाएगी, बुरे से बुरी 5 हज़ार रैंक आ जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत बुरा गया है, और फिर भाई घर पे आया तो पता चला ये ऐतिहासिक इंतहाई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, और इसमें मतलब इतने मेरा बुरा पेपर भी गया है, सबका और बुरा गया है, और इन दी एंड भाई इस पे मैं 1000 के अंदर रैंक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, फिर किसी ने कहा 700 के अंदर, फिर एक वेबसाइट पे गया वो कहते 450, मेरे 223, ऐसा होता है कि की मिलती है अपने को, तो की से मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए 223 मार्क्स बन रहे थे, तो मैंने एक साइट पे और चेक किया, उसने कहा 300 के अंदर आ जाएगी। अब आखिरकार जैसे उस दिन मैं भाई कोशिश कर रहा था, अपने दोस्त ध्रुव को कॉल कर रहा था, तो कॉल भी ढंग से नहीं लग रहा था, कॉल किया और भाई फिर ध्रुव ने कई बार रीलोड करके फिर बताया कि भाई 247 रैंक आई है, तो फिर पापा को मैंने बताया पापा रिजल्ट आ गया, कहते क्या रहा, मैंने कहा पापा 247 रैंक आई है। अब यार मेरे पापा कभी मैंने उनको बोला 1000 के अंदर आ जाए, कभी कहा 700 के अंदर आ जाए, 450 के अंदर, 300 के अंदर, कहते अब ये पक्का है, तो उनका रिएक्शन था पक्का,
मैंने कहा हाँ अब नहीं चेंज होएगी, ये फाइनल है भाई। फिर सब पूरी बस में जो है ऐसे भाई कहने लग गए माता रानी की कृपा हो गई। अब ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई मतलब बच्चे ने इतनी मेहनत की और सबने माता रानी को क्रेडिट दे दिया, बच्चे को नहीं दिया। पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत चीज़ें हमारे बस के बाहर होती हैं। मतलब मैं एक बार को कह सकता हूँ कि वो फाइट पूरी मैंने की, और वो फाइट करने की प्रेरणा कहाँ से आई? बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर करता है। मैंने कहा ना कि हम आगे की चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मेरी ईमानदारी इसमें है कि मैं अपनी पढ़ाई करूं। तो इस तरह आखिरकार माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि 247 रैंक आई मेरी। अब मैं इस पर बताता हूँ आपको बाकी लोगों के औरों के रिएक्शंस। रिजल्ट के कुछ ही दिनों बाद लोगों के फ़ोन आने लग गए, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए, और ये बात बिजली की तरह फैल गई कि मेरा मतलब मेरी 247 रैंक आई है और IIT में मेरा सिलेक्शन निश्चित है। उस टाइम पर यही सोच रहे थे IIT कानपुर जाएंगे, खड़गपुर जाएंगे, पर मेरे मन में IIT दिल्ली था। कजन्स वगैरह सब कहते हैं कि भाई तूने नाम रोशन कर दिया। अब जैसे उसके बाद क्या था यार कि मैं अभी यार थोड़ा जेई से फ्री हुआ, थोड़ा मतलब समझ रहे हो कि इतना लंबा मैंने भाई कोई सफ़र नहीं किया, किसी से मिलने नहीं गया। तभी मैं जेई एडवांस के बाद ज्वाला देवी भी गया था, और उसके बाद मैं फिर और अपने मतलब रिश्तेदारों के घर जा रहा था। तो एक रिलेटिव के घर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई फिर कैसा रहा IIT का रिजल्ट। मैंने कहा 247 रैंक आई। तो वो कहते अच्छा तो मतलब और बोर्ड में कितने आए? मैंने कहा 94.95% आए तेरे। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मतलब भाई जे एडवांस में यार 247 आई कुछ नहीं, बोर्ड में 95 आए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक अंकल और थे मेरे ताऊ की दुकान पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि बेटे वो, क्योंकि जैसे वो सब होता ना कि भाई हमारे लड़के ने ये अचीव कर दिया, तो ऐसे ताऊ ने बताया होगा उनको। तो वो अंकल पूछते बेटे फिर कौन से कॉलेज में हो गया? मैंने कहा अंकल IIT में। कहते कौन से IIT में? मैंने कहा अंकल दिल्ली में। दिल्ली में कौन से वाले में? एक तो ये ITI पूसा में है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर ऐसे यार मैं एक बार चक्की पे आटा लेने गया था, तो चक्की वाले अंकल पूछते, तो उनके बेटे ने भी जेई की तैयारी की थी कभी, तो उनको आइडिया था जेई का। तो वो कहते कि फिर IIT का कैसा रिजल्ट आया? मैंने कहा अंकल हो गया, मिल जाएगी BTEC। मैं ना देखो यार ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फेसबुक वेसबुक हर जगह बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिलने लग गए थे, बहुत ज़्यादा लोग अटेंशन देने लग गए थे। मतलब एक टाइम के बाद, मतलब देखो मेरा काम यहाँ बोस्ट करना नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ हमेशा कि विद्यार्थी विद्यालय जाता है और निंदक यही ढूंढता रह जाता है कि निंदा कहाँ करूँ। मेरा ये दिखाना जरूर मतलब मकसद नहीं है कि 247 रैंक कितनी बड़ी चीज़ है। मेरा मकसद ये है दिखाना कि बस की कुछ हैपनिंग हुई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कहते BTEC कहाँ से करोगे? अंकल IIT दिल्ली से करूँगा। तो कहते IIT हो जाएगा उसमें? कहा अंकल हो तो जाना चाहिए। कहते कि वो जो एडवांस के बाहर होता है। हाँ जी अंकल, जे एडवांस हो गया? हाँ जी अंकल, वही वाला हो गया। अंकल का रिएक्शन था, मेरे नेबरहुड में पहले एक लड़का रहा करता था, वो भी काफी एज में 5-6 साल बड़ा था, तो उसने भी जेई दिया था, तो मेरे को जानता था थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही भाई ने बोला, भाई और निशांत क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई BTEC कर रहा हूँ, मतलब हो गया था BTEC में एडमिशन। मेरा कहाँ से कर रहा है? IIT दिल्ली से। और यूट्यूब पहुंच गया तू? भाई 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 क्या हुआ? भाई भाई क्या हुआ? फिर एक नेबर और था, उसने मुझसे उसने अखबार में पढ़ा होगा। अच्छा ये बात खैर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से सुनने का मजा ही कुछ आ रहा है। एक नेबर और था, वो कहता निशांत IIT का रिजल्ट आ गया, उसने अखबार में पढ़ा होगा। मैंने कहा हाँ भाई आ गया। कहता क्या कैसा रहा फिर? मैंने कहा भाई 247 रैंक आई है। तो कहता कि मतलब परसेंट कितने आए? परसेंट मैंने कहा भाई 60% के आसपास होंगे, 60%। तू टेंशन मत ले भाई, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा।
डोमिनेट जी किताब में मैंने एक मिस्टर स्नेक की बात की थी, मिस्टर स्नेक मतलब आस्तीन का सांप, तो उसको भी मैंने बताया रिजल्ट के बारे में। वो कहता भाई मैं बहुत खुश हुआ यार, भाई जंदल यार सच बताऊं तो मैंने अपने आसपास वालों से सदा सच बोला, जिसने भी मदद मांगी मैंने कभी मना नहीं किया, और हमेशा भाई किसी को मैंने कहा, अपने दोस्तों को बोला कि जाओ यार ये पढ़ लेना, ये नोट्स पढ़ लेना, ये चैप्टर आते हैं, मैंने भाई लोगों को ईमेल कर करके नोट्स भेजे, बस ऐसे ही भाई अपनी केयर में। और पता नहीं मतलब क्यों भाई उनको क्या कारण मिला मुझसे जेलस होने का, मुझे नहीं समझ में आया, पर खैर इट इज हाउ इट इज, सो बी इट। अब यार कई लोगों को बहुत दिलचस्पी है ये जानने में कि स्कूल के जो अध्यापक इन डबल कोट्स, अध्यापक और अध्यापिकाएं, उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखो यार पहले तो वो यही कहते थे कि जिंदल आईआईटी नहीं हो सकता, जिंदल आईआईटी इज इम्पॉसिबल, जिंदल बोर्ड की तैयारी कर ले बात मान पछताएगा, जिंदल नहीं होता भाई, इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। भाई एंड में जब हो गया, ये लड़का तो शुरू से ही तेजस्वी है, हमें पता ही था इसका होगा, टैलेंट तो था ही इसमें, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है।